और अभी आपको बताएं कि पीटीआई रुकन जमाल सिद्दीकी सिंध असेंबली में हेलमेट लेकर आ गए। जमाल सिद्दीकी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के रुकन ने माइक तोड़कर हमला किया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब चांडियो, बताइए क्या हुआ फिर असेंबली में? हाँ जी बिल्कुल, आज पीटीआई के रुकन असेंबली जमाल सिद्दीकी जो है वो ऐवान में जब तकरीर की तो उन्होंने बजट तकरीर के दौरान जो है वो हेलमेट पहन कर दी और उन्होंने जवाब किया कि कल यहाँ पर माइक तोड़कर जो हमला किया गया था सरकारी बेंचों से और आज भी उन्हें खतरा है कि किसी और बड़ी चीज से हमला न कर दे, इसलिए वो एहतियातन जो है अपनी तकरीर जो है हेलमेट पहनकर करते हैं। उन्होंने हेलमेट पहना, हालांकि स्पीकर ने कहा कि सिंध असेंबली में हेलमेट पहनने पर बंदिश है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हेलमेट पहनकर अपनी तकरीर की और इस दौरान उन्होंने जवाब ये दिया कि कल चूंकि माइक तोड़कर हमला हुआ था इसी वजह से आज वो मजीद किसी ऐसी चीज से बचने के लिए हेलमेट पहनकर तकरीर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अरबाब चांदी, आगाह किया आपने।